नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आपको पता है कि मैंने अपनी गाड़ी में सॉफ्टवेयर अपडेट कराया था, जो कि मारुति द्वारा स्मार्ट हाइब्रिड वाली जो टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियां आती हैं उनके लिए हाल ही में जारी किया था। तो सॉफ्टवेयर अपडेट कराए करीब मुझे 3 दिन हो गए और गाड़ी को मैंने करीब 350-300 किलोमीटर चला भी लिया है। और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद दोस्तों जो प्रॉब्लम गाड़ी में आ रही थी, पहले मैंने आपको दिखाया था कि तुरंत ही जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट कराया था उसके बाद बैटरी से गाड़ी पावर नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी को मैंने थोड़ा सा रोका फिर जो है गाड़ी पावर लेने लगी, यानी सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन दोस्तों अभी भी ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ कि गाड़ी चलाते समय कभी कभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि कभी तो जो गाड़ी वो बैटरी से पावर लेती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इंजन का साइन है, ये बैटरी का साइन है, तो कभी बैटरी से पावर ले रही है और कभी नहीं ले रही है। जैसे गाड़ी चल रही है और मान लो हम एक्सेलेरेटर को हार्डली प्रेस करते हैं तो इंजन और बैटरी दोनों से पावर लेती है, तो ये यहाँ से जो है दोनों तरफ एरो दिखाई देते हैं व्हील की तरफ जाते हुए। लेकिन जब आपने एक बार गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया और मान लो बैटरी से पावर गाड़ी नहीं ले रही है तो वो फिर काम ही नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही गाड़ी को आपने रोक दिया या बंद कर दिया और फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप आपने चालू की, यानी कि फिर से गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, तो फिर वो पावर लेने लग जाती है बैटरी से। तो ऐसा कभी कभी हो रहा है, कंटिन्यू जो है गाड़ी एकदम पहले जैसे नहीं चल रही है, तो ये दिक्कत आ रही है अभी भी। और मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि बैटरी से पावर नहीं ले रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद बैटरी से पावर लेना स्टार्ट कर दी थी ये गाड़ी। तो ये चीज़ दोस्तों अभी भी है, इसमें बग है और बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। और बैटरी से जब गाड़ी पावर नहीं लेती तो रीजनरेटिव एनर्जी भी पैदा नहीं करती, यानी बैटरी को चार्ज भी नहीं करती, यानी व्हील से जो बैटरी की तरफ पावर जाता है तो बैटरी को चार्ज भी नहीं कर रही है गाड़ी। तो ये समस्या आ रही है, बाकी माइलेज में तो मुझे कोई अंतर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जो आप माइलेज MID में देख रहे हैं पहले की तरह ही है। अभी गाड़ी थोड़ी देर से स्टार्ट कर रखी है, कोल्ड स्टार्ट मैंने, क्योंकि 2-3 दिन के लिए मैं निकल रहा हूँ और गाड़ी को स्टार्ट नहीं करूँगा तो मैं स्टार्ट करके जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले एवरेज 18 के करीब था, अभी जो है ये ड्रॉप हो गया है और ये दिक्कत आ रही है अभी गाड़ी में। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट कराएं तो ये चीज़ को देखें, और अगर आपकी गाड़ी का कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा अपडेट के बाद तो फिर से सर्विस सेंटर पर ले जाए। फिलहाल तो मैं अभी सर्विस सेंटर पर नहीं ले जा रहा, क्योंकि मुझे कुछ दिन बाद ही सर्विस करानी है, इसी हफ्ते अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है, तभी मैं चेक करवा लूँगा फिर से जो है, देखता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, अदरवाइज फिर मैं मारुति से कॉन्टैक्ट करूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपको भी ये जानकारी दी जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।